प्रदेश में युवा पीढ़ी के पांव नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ताजा मामले में हमीरपुर जिला के सुजानपुर के चौगान में दो युवतियां दिन दहाड़े नशे में धुत मिली हैं। युवतियां नशे में इतनी खो गई हैं कि एक युवती जमीन पर बेसुध होकर लेटी है तो दूसरी युवती उल्टियां मार रही है। सुजानपुर में इस तरह युवतियों के नशे में धुत होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में ना तो पुलिस को कोई सूचना है और ना ही किसी ने इसकी शिकायत की है। प्रदेश में युवा पीढ़ी के पांव नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ताजा मामले में हमीरपुर जिला के सुजानपुर के चौगान में दो युवतियां दिन दहाड़े नशे में धुत मिली हैं। युवतियां नशे में इतनी खो गई हैं कि एक युवती जमीन पर बेसुध होकर लेटी है तो दूसरी युवती उल्टियां मार रही है। सुजानपुर में इस तरह युवतियों के नशे में धुत होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में ना तो पुलिस को कोई सूचना मिली है, ना ही किसी ने इसकी शिकायत की है। वीडियो में सुजानपुर चौगान में स्थापित कला मंच पर दो युवतियों को नशे में धुत दिख रही हैं। इनमें से एक नीचे लेट गई है और दूसरे से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। किसी ने वीडियो कैमरे में कैद करके इसे वायरल कर दिया है। इस मामले में एएसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में पुलिस युवकों के साथ युवतियों का पता लगा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है, फिर भी पुलिस छानबीन में जुटी है। इसमें तीन व्यक्ति वीडियो में आ रहे हैं और एक वीडियो बनाते हुए दिखा है, दो महिलाएं और दो लड़के प्रतीत हो रहे हैं। वो कुछ किसी तरह की ड्रग्स में या किसी तरह की इंटॉक्सिकेंट के असर में प्रतीत हो रहे हैं। इसके बारे में कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है, पर फिर भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो महिलाएँ उन वीडियो में दर्शाई गई हैं उनकी सेफ्टी का मैटर भी है कि वो ठीक है या कंडीशन क्या रही है। ये सुजानपुर का ही मैटर लग रहा है हमको, अभी जितनी हमने इंक्वायरी की है, बाकी और इसमें और क्लैरिटी आएगी तो हम शेयर जरूर करेंगे। ऐसा कहना कि हमीरपुर स्पेसिफिक में ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे यंग पॉपुलेशन यानी यंग स्टूडेंट्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है बाकी ज़िलों से, पर अगर कोई इंटॉक्सिकेंट वगैरह कोई बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो उनके बारे में हम जागरूकता अभियान तो चलाते ही रहते हैं। पर उसके अलावा आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बच्चे या किसी भी उम्र के लड़के जो भी 25 साल से कम हैं, उनको इस तरह के मादक पदार्थ खासकर अल्कोहल यानी शराब बेचना जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसके बारे में भी हम एक एडवाइजरी जो है जितने भी यहाँ पे ठेके वाले हैं जो जिनके पास लिकर लाइसेंसेस और लिकर वेंड्स हैं उनके ऊपर एक एडवाइजरी हम ये जरूर करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट की मदद से भी हम ये इंश्योर करेंगे कि अंडर एज बच्चे यानी 25 साल से कम उम्र के बच्चों को कम से कम जो ये शराब की बिक्री है वो ना हो।